नमस्कार। आजादीनामा के आज के 51वें अंक में आज श्रद्धांजलि एक वीर सपूत को, जिसकी कहानी कही और रिकॉर्ड की गई इन दो ध्वनि मुद्रिकाओं में, इन दो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में। इस कहानी को ग्रामोफोन रिकॉर्ड में मेगाफोन कंपनी ने जारी किया एक नाटक के रूप में। नाटक का शीर्षक था विप्लवी कनाईलाल। कथा बिमल सेन गुप्त की थी और इस नाटक का निर्देशन किया था प्रोफेसर नरेश चक्रवर्ती ने। मेगाफोन की अपनी नाट्य मंडली थी जिसने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों, आज बात भारत के अमर शहीद कनाईलाल दत्त की, जिसने देशभक्ति की अपूर्व मिसाल कायम की और एक देशद्रोही नरेंद्रनाथ गोसाई को मौत के घाट उतारकर आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी। मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा। आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना, आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना। बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो। दोस्तों, इस नाटक की शुरुआत होती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 30 अगस्त 1888 को। कृष्ण के जन्म का उत्सव बंगाल के चंदन नगर में घर घर में शंख बजाकर मनाया जा रहा था। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव शुरू हो गया था, तभी वहाँ के घर में माता ब्रजेश्वरी देवी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण माँ ने उस बालक का नाम रखा कनाई। बांग्ला में कन्हैया या कन्हाई को कनाई कहते हैं। সেদিন জন্মাষ্টমী তিথি চন্দন নগরের কংস তারায় সৎসঙ্গ নিনাদে কে সেদিন জন্মগ্রহণ করে বীর কানাইলাল। মাতা ব্রজেশ্বরী নাম রাখেন সর্বত, কিন্তু শৃঙ্খলিতা বঙ্গ জননীর পাঠান করার অন্তরালে আত্মবেদনায় জন্মগ্রহণ করে বিপ্লবী কানাইলাল। কৈশোর শেষে পিতার চাকুরিস্থল বোম্বাই ছেড়ে চন্দন নগরে পড়েন কানাইলাল। দীক্ষা গ্রহণ করেন স্বদেশী মন্ত্রের শিক্ষাগুরু শিক্ষক চারুবাবু। बालक कनाई किशोर वय से ही भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए तत्पर था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, परंतु कम उम्र में ही वह क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गया। उसे जब भी कोई फिरंगी या देसी सिपाही किसी भारतीय को डराते दिखता तो वह उन सिपाहियों को सबक सिखाता। 1905 में बंग भंग के बाद लोगों का विरोध बढ़ा तो फिरंगियों का जुल्म भी। ऐसे में जब तब भारत के लोगों को
जुल्म का शिकार होना पड़ता। कनाई दुबले पतले होने पर भी सब तरह से फिरंगियों का विरोध करता। कनाई लाल इतिहास का छात्र था। उसने इतिहास में ऑनर्स की परीक्षा दी 1908 में मार्च में। वह अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उसे एक दिन चिट्ठी मिली कि यदि वह अपने देश की सेवा करना चाहता है, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना चाहता है, तो कलकत्ते आकर नियत स्थान और समय पर एक बरगद के पेड़ के नीचे मिले। कनाई लाल को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। अपनी माँ को यह बताकर कि वह नौकरी ढूंढने जा रहा, कनाई लाल कलकत्ते आ गया और यहाँ बंगाल की क्रांतिकारी संस्था जुगांतर के विप्लवकारियों के साथ काम करने लगा। कनाई लाल, यदि तुम सत्य देश साधो खाओ, देश के जीवन बलि देवार स्पर्धा रखो, तब आगामी अमावस्या दीप प्रहर निशीते शमशान बट वृक्ष मूले आमार संगे देखा करो। এই কি দই স্থিতি? বারোটা বেজে গেল, আমার অবস্থার তিনি তো রাত্রি ভেদ করে সেই অঞ্চলে যাত্রী সম্মুখে বুঝি ধ্রুব তারা পথ দেখায়, তাখানে ভেজাগন্ধ পাওয়া যায়, নিঃস্তব্ধ হার রাত্রি যেন কথা বলে, মাঝে মাঝে ঝিঁকি শব্দ, দূরে কুকুরের ঝেউ ঝেউ ডাক, প্রচুর সব নিয়ে কারাকারি করে সিগারের দল, এই মা ভয়ঙ্করী কারে মূর্তিকে দানব দমে নিরুপে দেখা দিয়েছে। कनाई लाल जब कलकत्ते पहुंचा, तब बंगाल में विप्लवकारियों की गतिविधियां अपने चरम पर थीं, तो अंग्रेजों के जुल्म की भी इंतहा थी। बंगाल में बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी पुलिस और विलायती कचहरी भी बड़ी बेरहमी से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास हुआ। 1 मई को खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों के ठिकानों पर 2 मई 1908 को कलकत्ता और उसके आसपास बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। वारिंद्र घोष सहित 18 लोग मुरारी पोखर लेन स्थित मानिक तला के आश्रम से गिरफ्तार किए गए। गोपी मोहन दत्त लेन से 2 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें से 1 गिरफ्तारी कनाई लाल दत्त की भी थी। हेमचंद्र दास को राजा नवकृष्ण स्ट्रीट से गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष एवं उनके 2 साथियों को ग्रे स्ट्रीट स्थित नवशक्ति कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। 2 मई 1908 को कुल 23 स्थानों पर छापेमारी हुई, जिनमें से 21 स्थानों से 30 गिरफ्तारियां हुईं। 5 मई को कलकत्ते से
बाहर छापे पड़े और मिदनापुर से सत्येंद्र नाथ बोस और सेरामपुर से नरेंद्र नाथ गोसाई को गिरफ्तार किया गया। खुलना, हुगली, जेसोर और मालदा में भी 12 मई तक छापे पड़ते रहे और गिरफ्तारियां होती रहीं। कुल 35 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। क्रांतिकारियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर बम बनाने की सामग्री और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अंग्रेजों के हाथ लगे। ধরা পড়েন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, নরেন গোসাই প্রভৃতি আরো অনেকে, মেদিনীপুরের গুপ্ত সংঘের নেতা সত্যেন্দ্রনাথ, নিরাপদ এবং কানাইলাল। सभी गिरफ्तार विप्लवकारियों को कलकत्ता के अलीपुर जेल में रखा गया। अरविंद घोष ने अलीपुर जेल में कैदियों की स्थिति पर विस्तार से लिखा है अपनी पुस्तिका कारा कहानी में। सबको छोटी छोटी काल कोठरी में अलग अलग बंद करके रखा गया था। दुर्व्यवहार की कोई सीमा तो नहीं ही थी। भेदियों, जासूसों और दलालों को भी इन क्रांतिकारियों के पीछे लगा दिया गया था। वे अपनी अलग अलग बाहरी भूमिकाओं में इन क्रांतिकारियों से संपर्क करते थे। बाकी क्रांतिकारियों पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ, परंतु नरेंद्र नाथ गोसाई डर गया, जिसे सिरामपुर से गिरफ्तार किया गया था 5 मई 1908 को। अपने जमींदार पिता की बात में आकर वह सरकारी गवाह बन जाने की बात मन में सोचने लगा। शमशुल आलम नाम का एक व्यक्ति अंग्रेजों का जासूस था अलीपुर जेल में, जिसने गोसाई की भावना को समझ लिया। उसने बड़ी चतुराई से गोसाई को अपने जाल में फंसा लिया। वह जो सवाल गोसाई को देता, गोसाई उन सवालों को साथी क्रांतिकारियों से पूछने की कोशिश करता। उनसे मिले जवाब वह शमशुल आलम को दे आता, जो उसके अंग्रेज आकाओं तक पहुंच जाते। क्रांतिकारियों को इस बात की भनक लगते देर न लगी। वे समझ गए कि उनके बीच विभीषण आ गया है। वे गोसाई को आधारहीन और मसालेदार सूचनाएं देते, जिन पर विश्वास कर अंग्रेज अधिकारी देश के कोने कोने में अज्ञात, अजन्मे और काल्पनिक क्रांतिकारियों एवं उनकी संस्थाओं को खोजने के लिए छापे डालते रहते। जब सूचनाएं अधिक मिलने लगी, तब शमशुल आलम और गोसाई के मशविरे पर जेल प्रशासन ने कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए सभी कैदियों को एक बड़े हॉल में रख दिया। भावना ये थी कि गोसाई को सभी कैदियों से मिलने जुलने का अधिक अवसर मिलेगा, फिर सूचनाएं अधिक मिलेंगी। नतीजतन अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारियों का भांडा जल्दी फोड़ देगी। गोसाई तत्परता से और सक्रियता से उसने काम में लग गया। क्रांतिकारियों ने भी उसको और उसके माध्यम से शमशुल आलम और उसके साहिबों को खूब बेवकूफ बनाया। कुछ ही समय में गोसाई को यह लग गया कि उसने पर्याप्त सूचनाएं अंग्रेजी सरकार को दे दी हैं और अब उसके सरकारी गवाह बनने का आधार पुख्ता हो गया है। उसने इसकी औपचारिकता पूरी कर दी और वह सरकारी गवाह बन गया 23 जून 1908 को। उसके बाद
गोसाई को बाकी क्रांतिकारियों से अलग कर अधिक सुरक्षित और सुविधायुक्त यूरोपीय वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। गोसाई के देशद्रोह की खबर जेल से बाहर भी पहुंचने लगी। ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड की गई इस लघु नाटिका में एक महत्वपूर्ण संवाद है कनाईलाल दत्त की माँ ब्रजेश्वरी देवी से जुड़ा हुआ। उनको पता चलता है कि कनाईलाल के साथियों में एक नरेंद्रनाथ गोसाई सरकारी गवाह बन गया है और वह अपने संगठन और साथियों से संबद्ध सूचनाएं अंग्रेजों को दे रहा है। वह कहती हैं कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो उस भेदिये का अंत कर सके। माँ की भावना कनाई लाल तक पहुंच जाती है और वह गुसाई को उपयुक्त सजा देने का निर्णय कर लेता है। कनाई कलकत्ते से लगी फ्रेंच कॉलोनी चंदन नगर से आता था। वहाँ उसके जैसे क्रांतिकारियों का एक बड़ा और समर्पित दल था। उसके सदस्य नियमित रूप से कनाई से जेल में भी मिलते रहे। कनाई ने अपनी भावना अपने साथियों को बता दी। रिवॉल्वर जेल में पहुँचा दिए गए। अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भी रिवॉल्वर कनाई लाल दत्त के चंदन नगर के साथियों के द्वारा ही मुहैया कराए गए थे। कनाई लाल को किसी ने गोसाई की हत्या करने का जिम्मा नहीं दिया था, परंतु उसने मन ही मन ऐसा करने का प्रण ले लिया था। এমন সময় সত্যেন্দ্র এলেন অগ্রণী হয়ে। হেমচন্দ্র জানলেন তার কথা, অসুখের অচিলায় হাসপাতালে স্থান নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। পিস্তলের জোগাড় হলো, কানাইলালের উপরে ভার পড়লো সত্যেন্দ্রকে পিস্তল পৌঁছে দিতে। পেটের অসুখের ভান করে কানাইলালও শয্যা নিলেন হাসপাতালে। কিন্তু কোথায় নরেন, কোথায় বাংলার আর এক ঝড়বির জাফ। সত্যেনের অনুরোধে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নরেন গোসাই। এক তরফ কানাইলাল নে मन ही मन गोसाई की हत्या का प्रण ले लिया था, तो दूसरी तरफ सत्येंद्रनाथ बोस ने नरेंद्रनाथ गोसाई के सरकारी गवाह बन जाने के बाद एक योजना के तहत उससे संवाद स्थापित किया। उसने गोसाई को बताया कि वह भी सरकारी गवाह बनना चाहता है। गोसाई को इस बात से बड़ी खुशी हुई। वह एक जमींदार का बेटा था और उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि इस तरह के गवाह बन जाने से उसके पिता उसे अदालत से बरी करवा ले जाएंगे। इस बात का जिक्र गोसाई ने जेल में अरविंद घोष से भी किया था। जेल के कर्मचारियों की मदद से सत्येंद्रनाथ और गोसाई में संवाद का आदान प्रदान होता रहता था और दोनों अक्सर मिलते भी रहते थे। अगस्त 1908 के अंतिम सप्ताह में सत्येंद्र बीमार हुआ और उसे जेल के अस्पताल में ही भर्ती कर दिया गया। गोसाई को सत्येंद्र ने बताया कि वह भी गोसाई की तरह राज साक्षी बनना चाहता है, परंतु वह चाहता है कि उसकी यह बात किसी और को पता ना चले। उनके बीच के संवाद को ग्रामोफोन रिकॉर्ड की लघु नाटिका में बहुत सुंदर तरीके से पेश किया गया है। কেমন আছো ভাই সত্যেন? নরেন এসেছো? এসো, তোমার কথাই ভাবছি। তুমি খুব ভালো কাজ করেছো, আমিও রাজসাক্ষী হব। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে। তুমি যদি আমার পাশে দাঁড়াও সত্যেন, তবে আমাদের আর কোনো ক্ষতি হবে না, দুজনেই বেঁচে যাবো। বেঁচে যাবো না? আরে ছো 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 ছো, বোমা মেরে কি কখনো দেশ উদ্ধার হয়?
তুমি পুলিশকে সব কথা বলে দিয়েছো তো না রে? অনেক কিছু পুলিশ আমার কাছ থেকে জেনেছে। আগামীকাল আবার ইন্টারোগেশন আছে, এবার তুমি যদি আমার কর্পোরেটর হও তবে তো সোনায় সোহাগা হয়ে যাবে। ঠিকই বলেছো, সোনায় সোহাগাই তো হয়েছে। আজকে কথা বলো, কানাইলাল আবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছে, কি জানি কোথা থেকে শুনে ফেলবি? না না না, তোমার আমার কথা কেউ জানতে পারবে না। दोस्तों 30 अगस्त 1908 को कनाई का 20वां जन्मदिन था। उस दिन एक छोटा रिवॉल्वर चंदन नगर के शिरीष चंद्र बोस ने अलीपुर जेल में बारिंद्र घोष को सौंप दिया। उसी दिन वह रिवॉल्वर कनाई लाल के पास आ गया। बिना विलंब किए कनाई उसी दिन बीमारी के बहाने से अस्पताल में भर्ती हो गया, साथ में रिवॉल्वर भी ले आया। 31 अगस्त की सुबह को गोसाई सत्येंद्र से मिलने आने वाला था। कनाई मौके की तलाश में तो था ही। इस मुलाकात और उसके संवादों का बहुत ही सुंदर निरूपण मेगाफोन के इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड में किया गया है। मौका मिलते ही कनाई ने गोसाई को अपने निशाने पर ले लिया। गोसाई भी फुर्तीला था और साथ में उसका वार्डन हिगिन्स भी। हाथापाई में हिगिन्स जख्मी हो गया और पाँव में गोली लगने पर भी गोसाई वहाँ से निकलकर भागने लगा। कनाई और सत्येन दोनों उसके पीछे रिवॉल्वर लेकर भागे। रास्ते में एक और यूरोपीय सजा याफ्ता वार्डन अल्फ्रेड लिंटन ने भी कनाई और सत्येन को पकड़ने की कोशिश की, परंतु कृष्णकाय कनाई ने अदम्य साहस दिखाते हुए सबसे अपने को छुड़ाते हुए एक के बाद एक गोली चलाकर गोसाई को उसके देशद्रोह की उपयुक्त सजा दे दी। उसके बाद दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे आप यदि ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आपको 9 बार गोलियों की आवाज़ सुनाई देगी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कनाई लाल और सत्येन बोस ने मिलकर 9 गोलियां चलाई थी। दोस्तों नरेंद्रनाथ गोसाई की हत्या पर पूरे बंगाल में खुशी मनाई गई और पूरे देश में यह खबर फैल गई। एक देशभक्त भारतीय ने दूसरे देशद्रोही को उसके गुनाह की पूरी और सही सजा दे दी थी। कोई सपूत अपने जन्मदिन पर अपनी माँ को इससे बेहतर उपहार क्या दे सकता था? इस हत्या के बाद कनाई लाल और सत्येन बोस पर हत्या का मुकदमा चला। अखबारों में अदालत की दैनिक सुनवाई की खबर पूरी की पूरी छपती थी, लाहौर से लेकर मद्रास तक और बंगाल से लेकर बॉम्बे तक, हर भाषा के अखबार में। अखबारों में युवा कनाई लाल के आत्मविश्वास और निर्भीकता की खबरें भी खूब साया होती थी और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। मुकदमे की सुनवाई के आखिर में अलीपुर कलकत्ता के जिला एवं सत्र न्यायाधीश FRO ने कनाई से आखिरी बार कुछ सवाल किए। कनाई ने सिर्फ 3 बातें की। पहली बात यह कि उसे अपने कृत्य पर कोई अफसोस नहीं था। दूसरी ये कि उसे गोसाई की हत्या इसलिए की कि उसने देश के साथ गद्दारी की थी। तीसरी बात ये कि उसने अपने पहले के एक बयान में संशोधन करवाया। संशोधन यह था
कि गोसाई पर गोली उसने और सत्येंद्रनाथ बोस ने मिलकर नहीं चलाई थी, सिर्फ उसी ने चलाई थी। कन्हैयालाल जानता था कि उसे तो फांसी होगी ही, पर वह ऐसा बोलकर शायद अपने साथी सत्येन बोस को बचा लेगा। 9 सितंबर 1908 को दोपहर में जज ने कन्हैयालाल दत्त को नरेंद्रनाथ गोसाई की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। कन्हैया ने जज के फैसले को बेपरवाही से हंसी में उड़ा दिया। दोस्तों, ऐसी देशभक्ति, ऐसी दोस्ती और ऐसी जाबाजी की कहानियां हमें हर रोज सुनने को नहीं मिलती। এলো এবার বিচারের পালা। 1908 সালের 10ই সেপ্টেম্বর সেশনে বীর কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের বিচার আরম্ভ হয়। জজ মিস্টার এফআর রো জিজ্ঞাসা করেন কানাইকে, তুমি পিস্তল কোথায় পালে? ওদের আগের আপনার পিস্তল পৌঁছে দিয়ে গেছে। হে বাচ্চন ছাড়ে কেন, তুমি কেন নারায়ণকে খুন করিলে? সে কথা তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই বলেছি, তো বাবার বলি শুনুন, নরেন গোসাই দেশদ্রোহী, তার সমুচিত শাস্তি দিয়েছি। তুমি সাক্ষীকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবে না? কোনো কথা প্রত্যাহার করিবে? হ্যাঁ, পূর্বে বলেছিলাম এই হত্যার জন্য আমি ও সত্যেন্দ্র দায়ী, সেটা আমার ভুল হয়েছিল, আমি নরেনকে খুন করেছি, সত্যেন্দ্র নির্দোষ, আমার গুলিতে নরেন মরেছে। আচ্ছা, তোমার কথা আমি নোট করিয়া লইলে। সেই সালের বিচার শেষ হলো। বিচারপতি রায় দিলেন হি উইল বি হ্যাং টু ডেথ। হ্যাং টু ডেথ। कहते हैं मृत्यु दंड से पहले कन्हैया की मां ब्रजेश्वरी देवी अपने पुत्र की बहादुरी को सलाम करने जेल में आईं। उस अंतिम मुलाकात का, मां और सपूत के संवाद का बड़ा मार्मिक चित्रण मेगाफोन ड्रामेटिक कंपनी ने ग्रामोफोन नाटिका में किया था। कन्हैयालाल को 10 नवंबर 1908 को फांसी दे दी गई। कन्हैयालाल की शव यात्रा में लगभग पूरा शहर सड़क पर आ गया। हजारों लोग बिना जूते चप्पल के उस यात्रा में शामिल थे। सबसे अहम बात कि जितने पुरुष थे उस शव यात्रा में, लगभग उतनी ही महिलाएं भी थीं। कन्हैया ने न सिर्फ ब्रजेश्वरी देवी का बल्कि हर भारतीय माँ का सीना चौड़ा कर दिया था। महिलाओं ने कन्हैया के मुख में चरणामृत डाला और सब ने अपने अपने घर से लाए घी से चिता की लकड़ियों को डुबो दिया। पुलिस और प्रशासन को भीड़ को काबू करने में ना कुछ चने चबाने पड़े। भारत माता के एक और बहादुर बेटे की कहानी घर घर में कही जाने लगी। दोस्तों, हमें अपनी किताबों में, इतिहास की किताबों में अपने देश के सपूतों के योगदान का, उनके प्रति जन सम्मान का बहुत कम पता चलता है। कन्हैयालाल की फांसी के बाद पूरे कलकत्ते में लोगों ने अपने घरों में शंख बजाकर उस सपूत के बलिदान के प्रति सम्मान जताया था।
कनाई शंकर ध्वनि के बीच इस धरती पर आया था। शंकर ध्वनि के साथ ही इस धरती ने उसे विदा भी किया। उस दौर के अखबार लिखते हैं कि पूरी यात्रा में लोग वंदे मातरम और कनाई लाल की जय के नारे लगाते रहे। आज भौतिकता के चरम दौर में उस तरह के बलिदान की कल्पना करना, लोगों के प्रतिकार की अदम्य भावना की कल्पना करना मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि पहले हमने आपसे साझा किया था कि कनाई हिस्ट्री ऑनर्स की परीक्षा देकर चंदन नगर से निकला था कलकत्ते के लिए, परंतु उसकी गिरफ्तारी और मृत्यु दंड के बाद अंग्रेजी सरकार ने कनाई लाल दत्त के परीक्षा फल पर रोक लगा दी। वे इतिहास में ऑनर्स नहीं कर पाए, परंतु अंग्रेजी सरकार को क्या पता था कि कनाई लाल स्वयं इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो जाएगा। जिस स्कूल में कनाई पढ़ता था चंदन नगर में, कॉलेज डुपले में, आज़ादी के बाद उस स्कूल का नामकरण उसके नाम पर हो गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि भारत की आज़ादी में क्रांतिकारी आंदोलनों के योगदान का आकलन हम आज तक सही तरीके से कर नहीं पाए हैं। कनाई लाल की फांसी के बाद सरकारी हिंसा के हिंसक प्रतिकार की घटनाओं में कमी नहीं हुई, उनकी संख्या और भी बढ़ गई। कई पुलिस अधिकारी, मुखबिर और सरकारी गवाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। विप्लवियों ने औपनिवेशिक सत्ता की नींव इतनी बुरी तरह से हिला दी कि उसे अपनी सत्ता का केंद्र कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले जाना पड़ा। इन विप्लवियों और उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए एक के बाद एक कानून बनाने पड़े। दोस्तों, कनाई लाल की फांसी के बाद उस वीर युवक का शव लेने जो लोग जेल गए थे, उनमें एक मोतीलाल राय भी थे जो कनाई के मित्र थे। वे भी चंदन नगर के ही थे। उन्होंने कनाई लाल पर बाद में एक जीवनी भी लिखी, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 1923 में प्रतिबंधित कर दिया था। कनाई लाल जैसे शहीद क्रांतिकारियों के इतिहास में स्थान पर उन्होंने एक बड़ी मार्मिक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, आज जब चारों ओर यही सुनाई पड़ता है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो उस समय चुप होकर सुन लेता हूँ। परंतु साथ ही साथ कनाई लाल की परम शांत मुख छवि का स्मरण भी हो आता है। वे आंखें क्या हत्यारी आंखें थी? क्या वे अशांति या अधार्मिकता की आंखें थी? हृदय से केवल यही ध्वनि निकलती है कि धर्म का तत्व हिंसा और अहिंसा दोनों से परे है। कनाई लाल मर कर भी मरा नहीं। वंदे मातरम। रहो